रुपए जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन का फरवरी वादा देख रहे हैं 6300 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, लगभग 0.25% की करेक्शन है। आपको क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किसानों ने सोयाबीन को होल्ड कर रखा है, मंडियों के अंदर सोयाबीन का जो स्टॉक है, जो अराइवल्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिल रही है, पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है, लगातार इनमें गिरावट ही देखने को मिल रही है, और जो मांग है वो एज इट इज़ बनी हुई है। रूपा जी देख रहे हैं फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है सोयाबीन के, लेकिन ऐसे में तेज़ी नहीं बन पा रही है। आपको क्या लगता है सोयाबीन में क्या आगे चल के तेज़ी देखने को मिल पाएगी? देखिए फंडामेंटल इंटरनेशनल मार्केट्स में जो फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं उसका असर डोमेस्टिक मार्केट पर भी आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अभी जो बाजार है वो एक सुस्ती के साथ, और आप ये मानकर चलिए देखिए अगर फार्मर्स ने सोयाबीन होल्ड भी किया हुआ है तो यहाँ से हमें लगता है कि जो हम वायदा की अगर बात करें तो 6300 के आसपास जो सस्टेन कर रहे हैं, हमने इसको गिरते हुए भी देखा, और मैक्सिमम हम तेजी पहले भी डिस्कस कर चुके कि 6500 तक अपसाइड हो सकता है मैक्सिमम देखने को मिले, लेकिन बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम अभी फिलहाल एडिबल ऑयल पैक, पूरे ही एडिबल ऑयल पैक में नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बाजार इसी रेंज में घूमता हुआ आपको दिखाई देगा, ना बहुत ज्यादा मंदी आने की उम्मीद है, और तेजी भी अगर बनी तो करंट लेवल से 200-100 पॉइंट की तेजी सोयाबीन के अंदर बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी